अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल जी, कैसे आप लोग? मनम साहब, मैं हूं मैं आप देख हम जिस कलेक्शन चैनल 2.0 बहुत ही ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। एक दफा फिर से जो लोग रोजाना वीडियोस देखते हैं उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जैसा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो लेकर हम भाई, बहुत ही बड़ी एक न्यूज निकल कर भाई सामने आ रही है कि कोहली और परसों का मैच था, आप सभी को पता होगा, विराट कोहली और गौतम गंभीर की बहुत ही एक फाइट हुई थी मैच में, लखनऊ और आरसीबी के मैच में, तो उसी वाले से ये वाली आज की वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा, प्लीज वीडियो के अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो देखते हैं आज की। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक, रणतंत्र में आपका स्वागत है। और जब आपको संडे को ऐसा मैच देखने को मिले जहां पर एक टीम ने 200 बनाए हो और दूसरी टीम ने टारगेट चेस कर दिया हो, तो फिर आपकी मंडे से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माई 11 सर्कल ऐप से एक्सपेक्टेशन बढ़ती ही जा रही है। भाई लोगों के पास क्या क्या प्राइजेस ऑप्शन है आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। और खैर, गंभीर और कोहली भैया दोनों को थैंक यू बोलूंगा। मंडे को भी एक बोरिंग मैच में हमारी एंटरटेनमेंट का इन्होंने पूरा इंतजाम करके रखा था। देखो, पिछली बार जब ये दोनों टीमें आपस में मिली थी तब 200 से ज्यादा के ऊपर का टारगेट लखनऊ वालों ने चेस कर दिया, वो मैच आपको याद ही होगा, चिन्नास्वामी में मैच हुआ, हर्षल पटेल ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट करने की भी कोशिश करी, आखिरी बॉल पर एक रन चाहिए था, आवेश खान वो बॉल मिस कर गए, दिनेश कार्तिक भी मिस कर गए, फिर आवेश खान ने विनिंग रन लेने के बाद ऐसे हेलमेट पटका और जश्न मनाया कि ऐसा जश्न तो रिंकू सिंह ने भी 5 लगातार छक्के मारने के बाद नहीं मनाया था। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। गौतम गंभीर ने बेंगलुरु की क्राउड को चुप रहने का इशारा भी कर दिया। इसी का बदला लेने कोहली लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने भी जमकर बदला ले ही लिया। कोहली ने भी चुप रहने का इशारा कर दिया और मैच के आखिर में तो कोहली और गंभीर की लड़ाई भी हो गई, क्यों हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जब ऐसा हमको लगा था कि बेंगलुरु वाले लेंगे बदला, लेकिन उनकी बल्लेबाजी देखकर लगा कि घंटा कुछ नहीं बदला। लखनऊ की पिच बल्लेबाजी करने के लिए मुश्किल है ये तो पता था, लेकिन विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी के लिए भी मुश्किल होगी इसका अंदाजा नहीं था। बेंगलुरु के दो सबसे धाकड़ बल्लेबाज भी तेजी से रन बनाने को तरस गए। ओपनिंग पार्टनरशिप बेशक 62 की हुई, लेकिन विराट ने 30 में 31 बनाए, जबकि वापस से कप्तानी कर रहे फाफ 40 में 44 रन बना पाए। लेकिन जब ये दोनों आउट हुए तब पता चला कि भाई कम से कम रन बना तो रहे थे, क्योंकि भाई इनके आउट होने के बाद खाली एक दिनेश कार्तिक थे जिन्होंने डबल डिजिट में रन बनाए। और मैच का तो इतना पूछो मत, कितना बोरिंग चल रहा था कि मुझे लग रहा था इससे अच्छा तो मैं घर के बाहर अपने पौधे उगते हुए देख लूं। यार बेंगलुरु वालों, लखनऊ की क्राउड से बदला लेना था, लेकिन इस तरह थोड़ी लेना था कि ऐसा खेल दिखाओ कि उनको टिकट खरीदने पर भी अफसोस हो जाए। खैर, लखनऊ के मैदान पर एक बार फिर गेंदबाजों का बोलबाला रहा। ये बात जिन क्रिकेट फैंस को पता थी, उन्होंने अपनी माई 11 सर्कल ऐप टीम में गेंदबाज भरे होंगे। बस यही क्रिकेट अवेयरनेस तो चाहिए आपको माई 11 सर्कल ऐप पर ग्रैंड प्राइज जीतने के लिए। गोवा के चेतन कुमार ने गेम अवेयरनेस का इस्तेमाल करके माई 11 सर्कल ऐप पर एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार जीती है। अगर आप भी क्रिकेट के इतने जानदार शानदार तरीके से समझते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में आप ही के लिए माई 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया, फटाफट से उस ऐप को डाउनलोड करो और फिर मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। टॉप किए तो 1 करोड़ रुपए, साथ में महिंद्रा थार भी। लेकिन देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, चेतन जी ने तो जीत लिया, अब आपकी बारी है, इसलिए 1500 का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। आप माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। फिलहाल आपको यहां बताते हैं इस मसालेदार मैच के बारे में जो कल हुआ। 127 रन बनाने थे, लेकिन लखनऊ की दिक्कत ये थी कि उनके कप्तान केएल राहुल पहली इनिंग में इंजर्ड हो गए। इस तरह के विकेट और छोटे टारगेट के लिए लखनऊ को अपने कप्तान की जरूरत थी, लेकिन उनका न होना लखनऊ वालों को शाम को लगे बर्लिंगटन चौराहे के जाम की तरह खल गया होगा। राहुल की गैरहाजिरी में लखनऊ की बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखरी नजर आई। मेयर्स कृणाल पंड्या, आयुष बडोनी, मार्कस टॉइनिस, दीपक हुड्डा, वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने पिछले मैच में आग उगल दी थी, अब की बार उनकी आग पर बेंगलुरु के गेंदबाजों ने दमकल की गाड़ी चला दी। हालत ये हो गई कि 77 तक आते आते लखनऊ के 8 विकेट गिर गए। लास्ट में अमित मिश्रा और नवीन उल हक ने किसी तरह लखनऊ को बेंगलुरु के टारगेट के नजदीक पहुंचाया, लेकिन मैच तो वो हार ही गए थे। लखनऊ 108 पर ऑल आउट हुई और 18 रन से मैच हार गई, लेकिन असली मसाला मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ। असल में गंभीर और कोहली की लड़ाई तो किसी से छुपी नहीं, दोनों पहले भी लड़ चुके हैं जब प्लेयर के तौर पर खेलते थे। फिर बेंगलुरु के जीतने के बाद गौतम गंभीर का सेलिब्रेशन शायद बेंगलुरु के खिलाड़ियों और वहां के फैंस को पसंद नहीं आया होगा। कोहली भाई ठहरे एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो वाले आदमी, उन्होंने गंभीर का बेंगलुरु क्राउड को दिखाया गया चुप रहने का इशारा आज मैदान में लखनऊ वालों के लिए कर दिया और फील्डिंग करते हुए ओवर एनिमेटेड नजर आए। नवीन उलहक ने जब एक दो चौके लगा दिए तो कोहली ने उनको घूर कर भी देख लिया। इसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो सूत्रों के हवाले से हाथ मिलाते वक्त नवीन उलहक ने कोहली का हाथ मिलाते वक्त या तो घसीट दिया या सही तरीके से नहीं मिलाया। इस मसले पर लखनऊ के कायल मेयर्स के साथ पहले विराट की बहस हुई, फिर उसके बाद यह मामला कोहली वर्सेस गंभीर बन गया। मीम बनाने वालों को तो किसी पिक्चर का सेकंड पार्ट नहीं चाहिए, उन्हें कोहली वर्सेस गंभीर की लड़ाई का सेकंड पार्ट चाहिए था, जो कि मिल गया। और इस तरह दोस्तों, मंडे के एक बोरिंग मैच में भी हमें इस साल का बेस्ट एंटरटेनमेंट वाला मसाला मिल गया है। बस ऐसे मसाला हम चाहते हैं दिल्ली और गुजरात के मैच में भी मिले, और चाहते हैं कि इस मैच में
में आपको ब्रांड न्यू महिंद्रा थार भी जीतने का मौका मिले। लेकिन उसके लिए आपको माई 11 सर्कल ऐप पर बढ़िया टीम बनानी होगी। चलिए मैं आपको मदद कर देता हूँ। विकेट कीपर रिद्धिमान साह, सॉल्ट। बल्लेबाजी करेंगे गिल, वार्नर, मनीष पांडे। ऑलराउंडर होंगे अक्षर पटेल, मिशेल मार्श, हार्दिक पांड्या। गेंदबाजी करेंगे शामी, कुलदीप यादव और राशिद खान। मिशेल मार्श मेरे कप्तान होंगे जबकि राशिद खान को मैं उपकप्तान बना रहा हूं। आप भी माई 11 सर्कल ऐप पर अपनी टीम जरूर बनाएगा, लेकिन उससे पहले इस ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, पर याद रखिए दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। वैसे रिस्क से याद आया, कल के मैच में झगड़ा करके किस प्लेयर ने बढ़िया वाला रिस्क लिया है उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपके हिसाब से गलती किसकी है उस प्लेयर का नाम लिखना और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं इसी मुद्दे पर, एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। लड़ाई तो बहुत ही बड़ी हुई, तो इन्होंने ये लास्ट में कहा ना कि गलती का तो पता नहीं, लेकिन फाइन सभी को 100%। लगता है कि वो जब ना विराट कोहली और वो सारे प्लेयर्स जा रहे थे ना, बीच में एक प्लेयर था जिसने मतलब हैंडशेक जब करते हैं तो वो सही से नहीं किया, मुझे लगता है उसकी गलती। मेन चीज पता क्या हुई थी? मेन चीज ये हुई थी कि लखनऊ ना एक मैच खेलने गई थी बेंगलुरु में, तो उन्होंने ना वहाँ आरसीबी ने आप सभी को पता ही होगा 200 से ऊपर रन बना दिए, तो फिर इन्होंने ना लखनऊ ने चेज कर लिए, तो इन्होंने बहुत ही कुछ फिर सेलिब्रेशन बहुत की और जो गौतम गंभीर जी थे ना वो बाहर आए और उन्होंने ना ऐसे क्राउड को चुप रहने का कहा कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो बाद में आपको पता फिर कितना बुरा लगता है आपके होम ग्राउंड में किसी कोई टीम आकर आपको हरा कर चले। तो ये वाले मैच में फिर आरसीबी गई थी लखनऊ में खेलने के लिए, तो लखनऊ में जाकर स्कोर तो नहीं है इतना कर पाए, लेकिन मैच जीते और विराट कोहली ने एक एक विकेट का बदला लिया। जब भी कोई आउट होता था ना तो वो क्राउड को इस तरह देखते थे, ऐसे ऐसे उन्हें करते थे और बहुत ही ज़्यादा उन्हें चिढ़ाते थे। बहुत ही ऐसा मैच इन्होंने किया। बाद में जब मैच की खत्म हुआ ना असली लड़ाई, तो तब हुई गौतम भी ऐसे ही सारे इनकी टीम इनके साथ है, उनकी टीम उनके साथ, एक दूसरे के साथ ऐसे भाग भाग कर आ रहे थे लड़ने के लिए। तो बहुत ही एक वाला अभी सबने वीडियोज देखी होंगी कि यार किस तरह से वो लड़ रहे थे, और इन्हें ना जुर्माना बहुत हुआ है। विराट कोहली को 1 करोड़ का जुर्माना हुआ है इस मैच में। कौन सा कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन 1 करोड़ रुपया बहुत ही ज्यादा होता है क्रिकेट में, नहीं हमने कभी भी देखा कि इतना ज्यादा। और गौतम गंभीर को 25 लाख का मैंने देखा था। और गौतम गंभीर को क्यों कम? वो वैसे प्लेयर नहीं है ना, वो कोच है ना उनके लखनऊ के, तो इस वजह से मुझे लगता है कम हुआ है। तो विराट कोहली ने वैसे भी कुछ ज्यादा किया था, क्योंकि अमित मिश्रा को भी उन्होंने एक बात की, उनको भी ऐसे उंगलियां कर रहे थे, हर एक को उन्होंने की, तो इस वजह से मुझे लगता है ओवर होने की वजह से विराट कोहली हमें मतलब इसका यही एग्रेशन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा ये वाला सिस्टम हुआ था। और 1 करोड़ रुपया जुर्माना बहुत ज्यादा होता है एक क्रिकेट में ना, बहुत ज्यादा। तो 1 करोड़ रुपया जुर्माना वो भी मैं एक मैच में, तो बहुत कुछ हुआ था उस मैच में जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सीनियर्स भी कुछ प्लेयर थे, कुछ जूनियर थे। नवीन उलाका आप देख लें अफगानिस्तान के थे, उनके साथ भी झगड़ा हो गया, बहुत कुछ हुआ था उस मैच में। मैंने देखा भी, मैं यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है मैच में, ये तो कबड्डी का कोई मैदान नहीं था, वैसा लग रहा था सब कुछ। तुमने देखा लाइव? देखा हाँ, मैंने देखा लाइव, नहीं देखा था लेकिन बाद में मैंने देखा जब मैच खत्म हो गया था, तो बहुत सी न्यूज आ रही थी कि यार मैच में बहुत कुछ हो गया, गौतम गंभीर और विराट कोहली की फिर से लड़ाई होगी। और एक पहले भी एक दफा हो चुकी, बहुत दफा हो चुकी है, और एक पहले इनका इतना ज्यादा प्यार होता था कि एक बार बताते हैं कि मैच हुआ था श्रीलंका में, तो इंडिया को कोई 350 के करीब रन चेज करने थे, तो इसमें विराट कोहली ने अपना पहला 100 किया था, तो गौतम गंभीर ने भी उस मैच में 150 किया था, तो ये मैच तो इंडिया जीत गया था, लेकिन गौतम गंभीर को जब मैन ऑफ द मैच मिलने लगा ना, तो उन्होंने अपना मैच इनको दे दिया कि यार विराट कोहली का पहला 100 है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इस वजह से ऐसी ऐसी खबरें भी थी। लेकिन बाद में इनकी आपस में ऐसी लड़ाइयाँ हो गई और अब तो एक दूसरे के सही मुखालिफ है। अब जब भी लखनऊ का मैच होगा तो फिर मजा आएगा देखने वाला कि आरसीबी के साथ ना काफी ज्यादा इनकी अब लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो फैंस यही चीज पसंद करते हैं। हाँ। आपको पता है आईपीएल में जब इस तरह से मैच जो होता है ना, उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए एक खिलाड़ी अगर इस तरह से हरकतें करें, खासतौर पर विराट कोहली, तो लोगों को बहुत ही ज्यादा होता है ना कि प्री प्लानिंग हरकत नहीं थी ये, वैसे नहीं, ना मतलब वैसे ही, उनसे बदला लिया जो आरसीबी के होम ग्राउंड पर इन्होंने आकर किया ना, उन्होंने फिर मैच जीतने के बाद अवेश खान ने अपना हेलमेट ऐसे नीचे फेंक दिया और बहुत ही जश्न मनाया, तो इन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे ना, तो इसका मुझे लगता है इन्होंने बदला लिया और बहुत ही भरपूर अंदाज में बदला लिया। इन्होंने पूरे क्राउड को ऐसे चुप के बार बार एक आउट होता था बाद में चुप कर देते। हाँ, विराट कोहली बहुत जोश और खरोश में थे ना उस मैच में, तो बहुत ही वैसे मजा आया था वो वाला मैच देखने के लिए। लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ही चीजें ना हद से ज्यादा ही कुछ आगे चली गई, तो जिस वजह से गाइस बहुत ज्यादा मजा आया। उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो देखे काफी अच्छा लगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है। थैंक यू।